नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके न्यूज पॉइंट लाइव और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर में लगातार सीज फायर जो है उसका उल्लंघन किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से। साफ तौर पर हमारे संवाददाता जमशेद मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे तौर पर रुख करेंगे। जमशेद, क्या है इस वक्त की स्थिति? जी अच्छा जी, सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान ने एक बार सीज फायर का उल्लंघन सेक्टर में शिदत की गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें इस वक्त जंग से ऐसा समा बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को इस बार फिर निशाना बनाकर लगातार 9:30 बजे से लेकर इस वक्त तक शिदत की गोलाबारी लगातार ही जारी है, जिसमें कई घरों को नुकसान पहुंचने की खबर हमारे पास आ रही है। क्योंकि काफी अरसा के बाद हमने नौशहरा में इस तरह की शिदत की गोलाबारी देखी है, जिसमें पाकिस्तान ने एक बार फिर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और काफी दिनों बाद इतनी शिदत गोलाबारी देखने को मिली। क्योंकि हालांकि पिछले एक महीने से लगातार ही लाइन ऑफ कंट्रोल के हालात काफी कशीदा थे, मगर जिस तरह आज पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया गया है, इसमें देखने को मेरा ऐसा पाकिस्तान की तरफ से जैसे एक जंग सा समा बना हुआ है, जिसमें काफी शिद्दत की गोलाबारी रिहायशी इलाकों में। जमशेद, अगर हम बात करें किसी के हताहत होने की, तो क्या हताहत होने की कोई खबर सामने आई है? जी किसी के हताहत को बता रहा हूँ, इन इलाकों तक पहुंचना भी मुश्किल हो पा रहा है। काफी जोरों से पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना ही बनाया जा रहा है, जिसमें इन इलाकों में पहुंचना भी मुश्किल हो पा रहा है। लोगों में काफी डर और खौफ इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार शहरी आबादी को ही निशाना लाया। हालांकि सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है उसी की भाषा में। प्रशासन की अगर हम बात करें तो प्रशासन ने किस तरह से कमर वहां पर कसी हुई है, क्या कामकाज कर रही है प्रशासन? प्रशासन की तरफ से पहले ही लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के जितने भी रिहायशी इलाके हैं, इन लोगों को हदायतें जारी की गई हैं कि गोलाबारी के दौरान वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। और अच्छी खबर यही थी कि आज छुट्टी का दिन था, एतवार का, स्कूल जितने भी थे लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक वो तमाम बंद थे, क्योंकि काफी शिद्दत की गोलाबारी आज जो देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ लोगों को हदायतें भी दी गई हैं, इस इलाके में बंकरों का भी काम काफी जोरों से जारी है, जिसमें लोगों को इस वक्त ही पनाह लिए हुए हैं लोग, क्योंकि काफी दिनों बाद ऐसी शिद्दत की गोलाबारी पाकिस्तान की तरफ से देखने को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि सुंदरबनी और नौशहरा सेक्टर में लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज़फ़ायर वॉयलेट किया जा रहा है। और ये कोई पहली बात नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सीज़फ़ायर वॉयलेशन किया हो, हर बार पाकिस्तान इस तरीके से हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंहतोड़ जवाब उसे दिया जाता है। भारत ने बिल्कुल अच्छे तरीके से कमर जो है वो कसी हुई है। प्रशासन की अगर हम बात करें तो बंकर्स बनाए गए हैं, लोगों को वहां पर रहने के लिए बताया गया है कि जैसे ही गोलाबारी शुरू होती है तो आप लोग उसमें पनाह ले सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जहां पर आज गोलाबारी शुरू की गई है वहां पर रिहायशी इलाका है और स्कूल फिलहाल आज बंद थे, क्योंकि रविवार का दिन था और उसकी वजह से किसी भी तरीके की हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। देखते रहिए जेके न्यूज पॉइंट लाइव।